गूंज के चौथे सीजन के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मोनिका, शीतल मार्केट। शहर के सारे लोगों को इस जगह का नाम अच्छे से पता था, मगर इसकी बातचीत गुमनाम तरीकों में ही करी जाती थी। परिवारों में इसे तालाब की गंदी मछली घोषित कर दिया गया था। अब लोग सब्जी, कपड़े, जूस वगैरह तो खरीद ही लेते हैं, मगर बाजार से लड़की। मोनिका, वैसे जब पैदा हुई थी तो कुछ और ही नाम था उसका। परिवार वाले बहुत गरीब थे, सड़क से कचरा उठाने का काम करते थे। मोनिका का तो छोड़ो, आज तक इस पूरे शहर में किसी भी इंसान को परिवार में एक भी सदस्य का असली नाम याद नहीं था। मोनिका दीदी, क्या पहन रही हो? मैं ये लंबी लाल सलवार, हरी चुन्नी। चुन्नी दो। तेरा बाप कहीं बाहर गया क्या? अरे नहीं, यहीं पर ही है, सारा संडे खराब कर दिया। अरे बबीता, यहाँ क्या कर रही है? चुन्नी पूछने आई थी पापा। और होमवर्क नहीं करना है क्या? सारा दिन मटर गश्ती करते रहो, चल जा। क्या गुलशन, तेरा बाप इतना खड़ूस होता तो तू इसे गालियाँ नहीं बकता क्या? हम जैसे को तो बकते ही हैं गाली, सख्ती से कुछ पढ़ लिख कर बन जाए। अब ये सब तुझे समझ में नहीं आने वाला मोनिका। हाँ चल चल, एक दल्ले के मुँह से तो समझना भी नहीं है मेरे को। दल्ले के साथ साथ तेरा भाई भी हूँ, और ये सब पहन पुन के क्या कर रही है? कोई फिरंगी आ रहा है क्या? बाहर जा रही हूँ हैरी के साथ। पागल हो गई है क्या? नाइट टाइम हो गया है, कितने कस्टमर आके चले जाएंगे। तुझे क्या, सुबह से 7,000 बन चुके हैं। अब अपनी गंदी बास ले और मेरे कमरे से निकाल इसको। ज्यादा बोल रही है तू। हाँ, उस हैरी के साथ बहुत घूम रही है आजकल, जैसों पर भरोसा मत बिठा कर रख तू, समझी? हाँ हाँ, तू बड़ा जानता है उसके बारे में। चुराई हुई काली स्कॉर्पियो चलाता है, क्या जानू उसके बारे में। शरीफ लोग भी कभी कभार काली गाड़ियाँ खरीद लेते हैं गुलशन। अच्छा, करता क्या है? बोल। बिल्डर सुकुमार सिंह का बेटा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। चुप कर ना। कितना हॉन्ग करेगा तू? बस कर हारी, कहाँ जा रहे हैं आज? वहीं जान, जहाँ तुझे हमेशा ले जाता हूँ। हैरी, तूने बोला था ना कि आज तू अपने किसी दोस्त से मिला रहा है। हाँ तो मिलाऊंगा ना, अगले हफ्ते मिल लेना, कहीं भाग थोड़ी रहा है कोई। मेरी लाल सलवार पसंद आई? एकदम बढ़िया लग रही है आज। तू कभी अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलाता? चल ये गाना सुन। बेबी, घर वगैरह के बारे में बात मत किया करना। आई लव यू यार, और कितना भाव खाएगी तू? आई लव यू टू। मोनिका हैरी से बहुत प्यार करती थी। अब किसी इंसान को ये थोड़ी पता होता है कि उसका भरोसा उस तक अमन लाएगा या हानि। बेटा अरविंदर, बुलाओ। गीता, इधर आओ। जी बाबूजी। खाना ठीक से खा रही हो तुम? हाँ जी बाबूजी। अच्छा, इस वक्त अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल मत रखो। 4 महीने बचे हैं। हरविंदर, तुम्हें कोई भी तकलीफें हो, इसका असर मेरे पोते पर नहीं पड़ना चाहिए। जी। जाओ। सही से बात नहीं करी जा रही क्या तुझसे? क्या बात करो अब इससे बाबूजी, सर पर चढ़ी हुई है। अब थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर क्या घूम लिया तो तकलीफ हो रही है इसको। ये सब इन औरतों की नौटंकी है खाली। हाँ मगर डरी डरी सी रहती है। पेट से है इसलिए दिमाग घूम रहा है इसका। 2 दिनों से दफ्तर नहीं आए तुम, कोई खास वजह? अरे बाबूजी, अभी थोड़ा जवानी का तो वक्त दो हमें, फिर आप जैसा बनेंगे एक दिन। मोनिका की मुस्कुराहट पूरे शीतल में रंग भर देती थी। कुछ कस्टमर तो सिर्फ उससे बातें करने के लिए शीतल जाते थे। फिर भी उस मोहल्ले के लिए दुनिया के कान तो बंद ही थे। वहीं हरविंदर सिंह जैसे लोगों की समाज में बहुत इज्जत थी। आखिरकार
बिल्डर सुकुमार सिंह का इकलौता वारिस जो था, मगर सही और गलत भी आखिरकार अंधे शब्द ही है ना। हैरी, तुझे पता है जब मैं 6 साल की थी मुझे लगता था कि मेरे पापा का नाम गिट्टू है, सब वही बुलाते थे उनको। थोड़ा चुप करा करना कभी। बात ही तो कर रही हूँ तेरे से। हाँ तो वो बात कर जो मुझे ठीक लगे। कैसे बात कर रहा है तू, कुछ हुआ है क्या? चल अब तेरा मेरा ये चीज खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है हारी? बीवी है मेरी, समझी? तेरे मोहल्ले के लोग बाहर खड़े हैं, चुप हो जा। झूठ मत बोल हारी, मत करना। ए, तुझ जैसे को झूठ वूट नहीं बोलता मैं। घर बर्बाद कर दिया तूने मेरा। चल हम निकल। नहीं तू बता क्या हुआ है तेरे को, चूतिया हो गया क्या? ये समझ नहीं आता क्या तेरे को? बोल रहा हूँ ना, निकल, आवाज मत बना, समझी? साले हरामी, अपनी बीवी को मेरे निशान दिखा दे चूतिये। साली कुतिया। जाहिल साले। शाम तक कुछ लोगों में बात फैल चुकी थी। वो ये सोचने में लग गए कि मोनिका ने एक अमीर शादीशुदा लड़के को अपने जाल में फंसा लिया था। लोग क्या सोचते हैं मोनिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए तो शायद उसके अगले कुछ कदमों ने। साहब अब सुन रहे हैं? क्या नाम बताया लड़के का? हरविंदर सिंह। बेटे जैसा है मेरा, और तू उसकी शादी खराब कर रही थी? साहब मुझे झूठ बोला है उसने। हाँ तो इस पर केस कर दूं? हाथ मारा है साहब, तब से बोल रही हूँ मैं आपको। बोलती रह तू, समझी? सब पता है तुझ जैसों के बारे में। हफ्ते में कम से कम 10-12 केसेस आते हैं तेरे मोहल्ले से। जब इधर उधर हाथ लगा रहा था तब तो बड़े मजे ले रही थी तू। साहब घूस लेंगे क्या? तेल पानी साहब बहुत कमाती हूँ मैं भी, दिन के 6 से 7 बन ही जाते हैं, 50 लेंगे साहब। पागल हो गई है क्या? खुद निकल जा वरना निशान छोड़ देंगे मुझ पर। कोई बात नहीं, चलती हूँ साहब। देख मोनिका तू मेरी बात सुन। ये सब एक गंदा सपना सोचकर भूल जा तू। अरे हाँ मैं तो धंधे वाली हूँ यार, जब दूसरे मर्दों के साथ सो सकती हूँ तो प्यार करने की जरूरत कैसे करी मैंने? तेरी गलती नहीं है गुलशन, छोड़। मैं भी दल्ला हूँ मोनिका, मुझे ये सामाजिक भाषण मत दे। हैरी जैसे मर्द चूती होते हैं यार, शक्ल से समझ जाना चाहिए था तुझे, पर तू समझी नहीं। तुझे सच में लगता है कुछ भी कर पाएंगे हम? अपने आप को और खतरे में डालने के बराबर काम कर रही है तू। डर लग रहा है क्या तुझे गुलशन? हाँ लगता है मुझे। खुश है तू अब? अरे मेरा नहीं तो बबीता का तो सोच। माफ कर यार मुझे। तू मुझे माफ कर दे गुलशन, क्योंकि मुझे अब हारने का मन नहीं है। रवि सर वो लड़की 3 घंटों से बाहर बैठी है। नहीं नहीं अभी नहीं, 2 और आर्टिकल प्रूफ रीड करना है। अरे सर सुकुमार सिंह की स्टोरी है, कह रही है फ्रंट पेज न्यूज लेकर आई है। अच्छा भेजो उसे। नमस्ते साहब। नमस्ते, देखिए मेरी 5 मिनट में मीटिंग है। मुझे पता है पुलिस ने आपका FIR नहीं लिखा है, मगर मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही पर्सनल स्टोरी है। अखबार में हम जनरल इश्यूज छापते हैं। मोनिका साहब कस्टमर लोग इसी नाम से पहचानते हैं मुझे, असली नाम थोड़ी पता है किसी को सिवाय मेरे बड़े भाई और छोटी बहन के। नहीं शायद बबीता भी मुझे मोनिका ही समझती हैं। देखिए आई एम सॉरी, जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर ये पब्लिश करना अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों साहब? पुलिस मुझे कह रही थी कि शीतल से हफ्ते में 10 से 12 केसेस निकल कर आते हैं। चलो सिर्फ 6 आते होंगे शायद, मगर महीने के 24 में से कभी कुछ क्यों नहीं छपता इस अखबार में साहब? वैसे TV पर आपको महिला आज़ादी पर बात करते हुए बहुत सुना है, कल भी सुना था शायद, मगर मैं औरत थोड़ी हूँ, मेरी पहचान शायद मेरे काम से है। मोनिका आपकी मीटिंग नहीं है साहब। मोनिका को दिल पिघलाना आता ही था शायद। रवि कुमार शहर के जाने माने पत्रकार थे, उनके इस नए खबर ने सुकुमार सिंह के परिवार के शान को ही नहीं बल्कि उनके घमंड को भी जोर से चोट पहुंचाया। साले सॉरी बाबूजी, मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती है फिर? वो मोनिका छोटे छोटे कपड़े पहन के फंसाती थी मुझे। और तूने तो एक रांड के पास जाकर परिवार का नाम बहुत ऊंचा कर दिया ना,
साले रंडी बॉस। आप फिकर मत करो बाबूजी, पुलिस इस केस को दो भाव नहीं देने वाली है। इतना नमक खाया उन सबने हमारा कि तेरा नहीं मेरा। तुझे लगता है मैं उन ढुल्लों से डरूंगा? इस रण ने आज जो मेरे खानदान के नाम के खिलाफ कीचड़ उछाला है, तू निकल यहां से। रात के 1:30 बज रहे थे। पिछले कुछ घंटों से तेज बारिश हो रही थी। शीतल की गलियां पूरी भर चुकी थी। सब अपने घरों में बंद थे और बबीता अपने किसी दोस्त के घर में अटक गई थी। अच्छा ही हुआ शायद। मोनिका यही रहती है? हाँ भाई साहब, मगर इस वक्त जितना पूछूं उतना जवाब दे। मोनिका का शरीर ठंडा पड़ गया था। जिस इंसान ने गुलशन को गोली मारी उसका मुंह ढका हुआ था। मोनिका ने छुपने की बहुत कोशिश करी मगर कुछ ही मिनटों में समाज के घमंड ने अपना हमला चलाया। दोनों शरीर को वो गुमनाम इंसान घसीट कर अपने ट्रक की तरफ ले गया। अगले दिन सुबह बहुत कमाल के पराठे बनाए आज। गीता ने बनाए हैं बाबूजी, एकदम खुश जो है आजकल। इतनी सुबह कौन आ गया? छोटे कोई जा ही नहीं रहा, तू क्या बैठा है जा। अरे बाबूजी अभी खाना खा रहा हूं। गीता कौन है ये गधा? प्रताप, इंस्पेक्टर प्रताप। रवि हैंडकफ कर इसको। सुकुमार जी हैं? साले मादर चोद, अकल खो बैठा है क्या? सुन बे नामर्द, चुप रहेगा तो बेहतर है तेरे लिए, समझा? क्या बात है प्रताप, ऊपर का खो बैठा है क्या? परिपूर्ण सुकुमार जी, माफी चाहूंगा मगर हमें आप पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी माने तो कुछ दिनों के लिए आप अंडरग्राउंड चले जाएं। आज शहर का कोना कोना मोनिका के नाम से वाकिफ है। सामाजिक सिस्टम से लड़ जो बैठी थी। कुछ उसे दोषी ठहराते हैं, कुछ उसे मसीहा समझते हैं। समाज की ऊंच नीच पर किसी भी व्यक्ति का संयम नहीं है मगर कुछ लोग लड़ झगड़ कर अपने हक के लिए आवाज उठा ही लेते हैं, इस उम्मीद में कि कल की रोशनी शायद एक नई समानता लाएगी। वैसे असल में मोनिका का नाम काशनी था। मोनिका दीदी, पापा, पापा। मोनिका इस नाटक के लेखक है अरमान कॉल और निर्देशक हैं धृति अग्रवाल। वॉइस एक्टर्स आरुषि सयाल, स्मरण तिवारी, दिव्यांश जैन, तानिश कुमार, विनीत नायर, चिराग मलिक, आयुष रोंगटा, आथ्रेया कौसगी, धृति अग्रवाल और नितिशा मेहता। साउंड डिजाइनर अथर्वा पाटिल और अनुष्का वैद्य। ग्राफिक डिजाइनर तन्मय धनावडे। साउंड रिकॉर्डिस्ट यश गोवियस और संकल्प सचन। मार्केटिंग जानवी अग्रवाल एंड टीम। प्रोड्यूसर्स धृति अग्रवाल, आथ्रेया कौसगी, भव्य राजगरिया और राशि मडवी। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राहुल पुरी, लैली दत्ता, यश कौवियस, भास्कर रॉय और प्रशांत भाटिया का। सुनते रहिए गूंज।